Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn distributive adjectives. Distributive adjectives क्या होता है उसको हमें समझना चाहिए. सबसे पहले by the verb we can understand distributive मतलब जो distribute करता है, क्या distribute करता है. Let's understand this one properly. Distributive adjectives are used to refer to members of a group as individuals. कोई भी एक group का, कोई एक ग्रुप है उसमें जो वो मेंबर है, चाहे कोई पर्सन हो या थिंग हो, उसको इंडिविजुअल करके दर्शाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके दर्शाता है. जैसे कि समझ लीजिए कोई ग्रुप में स्टूडेंट्स के ग्रुप, प्लेयर्स के ग्रुप या कोई चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसमें से किसी एक को, इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग करके हम दर्शाने के लिए वो नाउन को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज करना पड़ता है. मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे, फिर भी आगे हम देखेंगे. दे आर नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. हमेशा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज किया जाता है. उसके साथ कभी भी हमें प्लूरल नाउन यूज नहीं करते. क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि वो इंडिविजुअल को दर्शाता है, ग्रुप में से एक इंडिविजुअल को दर्शाता है. इंडिविजुअल का मतलब सिंगल होता है. तो नेक्स्ट आते हैं, देयर आर फोर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. कितने होते हैं? टोटल चार ही होते हैं. ईच, एवरी, ईदर, नेदर. ईच सजेस्ट, इसमें से जो पहला वाला, ये क्या सजेस्ट करता है? एवरीवन, ईच एवरीवन को सजेस्ट करता है. समझ लीजिए कोई एक फील्ड में देयर आर 22 प्लेयर्स, दिस साइड 11, दिस साइड 11. मैं बोलूंगा कि ईच प्लेयर इज प्लेइंग वेरी वेल. हर एक प्लेयर, इसमें एक ग्रुप है, इसमें से हर एक को दर्शा जा रहा है. ये भी सबको हम सबको बोल रहे हैं, सबके बारे में, लेकिन उसको इंडिविजुअल करके बोल रहे हैं. ईच प्लेयर इज प्लेइंग वेल. हर एक खिलाड़ी अच्छे से खेल रहा है. ये इंप्लाई कर रहा है एवरीवन. एवरीवन का मतलब होता है हर एक. ईच का सही मतलब होता है हर एक. याद रखिए, हर एक ग्रुप में से एक. नेक्स्ट, एंड एवरी सजेस्ट ऑल. मैं बोलूंगा एवरी प्लेयर इज प्लेइंग वेल. एवरी प्लेयर मतलब पूरे, लेकिन इंडिविजुअली सजेस्ट हो रहा है. हम बोल रहे हैं एवरीवन, मतलब यहां सबको एक साथ हम ले रहे हैं, बट एवरी के बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है. नेक्स्ट, ईदर इंप्लाइज वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस. हमें ये जो ईच और एवरी, कोई भी मोर देन टू के मेंबर या पर्सन थिंग्स के ग्रुप को हम समझा सकते हैं ग्रुप में से, लेकिन जो ईदर और नेदर जो है ना, ये खाली दो में से एक को सजेस्ट करता है, दो में से एक को इंप्लाई करता है. ईदर पॉजिटिव के मीनिंग में और नेदर नेगेटिव में मीनिंग में. कंफ्यूज मत होइए, मैं और एक बार बता रहा हूं. जब हम ईच या एवरी यूज करेंगे तब हम क्या करेंगे, कोई ग्रुप में से इंडिविजुअली सजेस्ट करेंगे या इंप्लाई करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग के, कोई भी ग्रुप से एक को अलग करके बताएंगे. लेकिन जब हम ईदर या नेदर यूज करेंगे तब दो में से एक. जैसे कि मैं बोलूंगा आप मुझे दो ऑप्शन दिए या कोई दो चीजें दिए, मैं बोलूंगा ईदर ऑफ द ऑप्शन इज गुड. दोनों में से कोई एक भी गुड, मतलब दोनों गुड है, कोई भी एक चूज कर सकते हैं. वहां पर अगर मैं नीदर लगा दूंगा तो दोनों में से कोई भी, ये नहीं है ये भी नहीं है, मतलब मैं इंडिविजुअली दोनों को बता रहा हूं, ये भी नहीं है कि ये भी नहीं है. इधर अगर मैं बोलूंगा तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दो में से एक एक को मैं बता रहा हूं. तो अब देखते हैं, लेकिन नीदर क्या करता है, इंप्लाइज नॉट वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस. ईदर का ऑपोजिट है, नेगेटिव है नीदर. तो ईदर बोलने से दोनों में से कोई भी एक ठीक ठाक है, या कोई भी एक ठीक हो या गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन नीदर बोलने से दोनों में से कोई एक भी ठीक नहीं है या नहीं है, ठीक हो या कुछ भी, व्हाटएवर द ऑप्शन यू चूज. हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको अच्छे से समझेंगे. ईच स्टूडेंट इज गुड इन इंग्लिश. मैं यहां पर खाली स्टूडेंट और रोम का एग्जाम्पल इसलिए लिया हूं ताकि आप लोगों को बारीकी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, ईच स्टूडेंट इज गुड इन इंग्लिश. जैसे कि हमारे क्लास में
समझ लीजिए 30 स्टूडेंट्स है, एक या दो नहीं है, 30। 30 में से ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है। सबके बारे में बता रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली बता रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ईच। मैं आपको एक चीज यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, यहां से हटके कभी कभार क्या होता है, हमारा जो इंडिफिनाइट प्रोनाउंस जो है, ध्यान से सुनिएगा, इंडिफिनाइट प्रोनाउंस, कभी कभार उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये ईच, एवरी, नीदर और इधर, ये भी इंडिफिनाइट प्रोनाउंस ग्रुप में भी आते हैं, लेकिन तब वो क्या करता है, वो प्रोनाउन अलग रहता है और वो नाउन को क्या करता है, नाउन के बदले बैठता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के साथ रहता है। मैं इसके जरिए आप लोगों को समझा दूंगा, अगर ईच अलग है, अलग यूज किया गया है, और ये स्टूडेंट या फिर कोई भी अलग नाउन इसके साथ जुड़ा ना हो तो वो प्रोनाउन के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर ये ईच या इसमें से कोई भी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव के रूप में माना जाएगा। इतना ही काफी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएगा। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ईच स्टूडेंट इज गुड इन इंग्लिश, इसको तो आप समझ गए। ईच रूम ऑफ द हाउस, वो घर का हर एक रूम, ईच रूम मतलब हर एक रूम इज बिग। एक घर में गए थे हम लोग, वहां 5-6 रूम है, कौन सा रूम अच्छा रहेगा यार, या बड़ा है, हर एक रूम बड़ा है, मतलब सारे रूम के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं, ये रूम भी बड़ा है, ये रूम भी बड़ा है, लाइक इंडिविजुअली बता रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ईच। ईच का मतलब हर एक। एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न इंग्लिश, कोई जगह पर कोई प्रिंसिपल बता रहे हैं या कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं, हर एक स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को क्या, इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो यहां पर एवरी स्टूडेंट मतलब ऑल, सारे के बारे में, लेकिन उसको इंडिविजुअली इंडिकेट करके बता रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, ईच खाली वन को सजा रहा है, बता रहा है, दर्शा रहा है, लेकिन एवरी ऑल को दर्शा रहा है। ये वन को दर्शा रहा है का मतलब खाली एक ही नहीं, वन वन करके सबको, लेकिन यहां एवरी बोल देने से एक साथ सबको बता रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल मीनिंग आता है। देन एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न इंग्लिश का मतलब सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीखना जरूरी है। एवरी रूम शुड बी बिग, हर एक रूम बड़ा होना चाहिए। जैसे यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस, आप कंट्रैक्टर को यह बताए कि मेरा सारे रूम बड़ा होना चाहिए, कोई भी रूम छोटा नहीं होना चाहिए। सारे मतलब ये भी वो भी वो भी, एक एक करके आप बता रहे हो, सारे रूम बड़ा होना चाहिए। अभी हम चलते हैं इधर, इसी के साथ में कंपेयर करके दिखाऊंगा। Either student is good in English. जैसे कि आप, मैं एक टीचर हूं, आप मेरे सामने दो स्टूडेंट लाए, मैं पहले से बता चुका हूं ये दोनों टू, दो ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है। Either student is good in English मतलब आप जो दो स्टूडेंट मेरे पास लाए, मैं उनको चेक किया, पढ़ाया, कुछ दिन के बाद आप लोगों को, आपको मैं रिपोर्ट दिया कि दोनों में से हर एक स्टूडेंट, इधर मतलब दोनों में से हर एक अच्छा है, दोनों में से हर एक अच्छा है, पॉजिटिवली बता रहा हूं। यहां पर मैं यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर रहा हूं, नीदर स्टूडेंट इज गुड इन इंग्लिश मतलब दोनों में से, नीदर नेगेटिव में, यहां और नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से यहां नेगेटिव लगा हुआ है। तो नीदर स्टूडेंट इज गुड इन इंग्लिश का मतलब होता है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। तो ठीक है, इधर रूम इज सुइटेबल फॉर माई लाइब्रेरी, मैं एक लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ, कोई एक घर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो वहाँ पर देखूंगा दो रूम है, बाकी तो भर गया किचन वगैरह स्टडी, लेकिन दो रूम बचा है, दोनों में से कौन सा लाइब्रेरी के लिए मैं चूज करूँ, मैं देखूंगा इधर रूम इज सुइटेबल फॉर माई लाइब्रेरी, मेरे लाइब्रेरी के लिए ये भी सुइटेबल है वो भी सुइटेबल, लेकिन दोनों ऑप्शन से एक चूज कराऊँ, इधर रूम इज सुइटेबल फॉर माई लाइब्रेरी, यहाँ दोनों में से ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन नीदर रूम इज सुइटेबल फॉर माई लाइब्रेरी का मतलब होता है ना ये सुइटेबल है ना वो सुइटेबल है। इधर का नेगेटिव होता है नीदर, और जो भी चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेंटेंस जैसे कि वैसे रहेगा, आप पॉजिटिव पर्पज में बोलोगे तो इधर लगा देना, और नेगेटिव पर्पज में बोलोगे तो उसमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे इधर के
पहले एक एन बिठा देना, देखिए स्पेलिंग सेम है, ई आई टी एच ई आर, ई आई टी एच ई आर, उससे पहले एक एन लगा वो हो जाता है नेदर। नीदर रूम इज सुइटेबल फॉर माई लाइब्रेरी, मतलब मेरे लाइब्रेरी के लिए कोई भी रूम सुइटेबल नहीं है। अगर आप लोग कन्फ्यूज्ड हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पहले काफी बार मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं। आई एम गिविंग ए स्पेस हियर, आई एम गिविंग यू मोबाइल नंबर, माई मोबाइल नंबर टू यू वंस अगेन, 9777209594, दिस इज माई मोबाइल नंबर, यू कैन हैव ए कॉन्टैक्ट, अदरवाइज यू कैन कमेंट मी, आस्क मी वट एवर डाउट यू हैव, आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी संकोच हो, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, as soon as possible I will try to give you answer. Thank you very much, God bless you. और एक बात, अगर आपका आज का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हर रोज जैसा मैं बता रहा हूँ वो क्लिक कर दीजिए लाइक बटन में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले, इंस्पिरेशन मिले, मैं और वीडियो बना सकूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि इस जैसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रोज़ाना मिलते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग ओनली फॉर फ्रॉम माई साइड दैट आई विल गेट समथिंग वट इज़ दैट एक्स्ट्रा, बट इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू ऑल्सो, your relatives, your friends will get the videos and they will be capable to speak in English like you. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.